नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ महीनों में एक्टिव फंड में निवेश बढ़ा है। पैसिव निवेश के मुकाबले पिछले 3 महीनों में खास तौर पर एक्टिव फंड में निवेशकों का रुझान और भरोसा दोनों बढ़े हैं। आज बताएंगे पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड कैसे करें शामिल, एक्टिव और पैसिव निवेश में अंतर क्या है और कहां निवेश है ज्यादा फायदेमंद, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट। श्वेता और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हमेशा से एक्टिव और पैसिव निवेश को लेकर चर्चा होती रही है, पर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करेंगे और जो आंकड़े ट्रेंड बताते हैं उससे क्या समझ में आता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं श्वेता आपसे जानना चाहूंगी, एक्टिव और पैसिव फंड पिछले, क्योंकि हम 3 महीने की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रेंड उभर कर आया है? पैसिव फंड में कितना निवेश है, एक्टिव फंड में कितना निवेश है, एयूएम के लिहाज से कौन सी स्ट्रैटेजियां, कौन सा फंड कहां पर स्टैंड करता है अभी? जी स्वाति जी, तो यू नो अगर हम पिछले 3 महीनों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इक्विटी में देखें, और मैं आपको पहले एक्टिव और पैसिव के दोनों आंकड़े बता देती हूँ। नेट फ्लो मतलब नया पैसा जो इक्विटी मार्केट में लगा रिडेम्पशन सारी हटा के, उसमें अगर देखा गया है तो फिर एक्टिव फंड्स में करीबन 40,000 करोड़ के आसपास की नई इन्वेस्टमेंट हुई है। यही अगर हम पैसिव इक्विटी की बात कर लें, जिसमें हम इंडेक्स फंड प्लस ईटीएफ, दो तरह के पैसिव आपके फंड्स होते हैं, दोनों को मिलाकर 8,000 करोड़ के आसपास का निवेश हुआ है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, आंकड़े बता रहे हैं कि यू नो निवेशक का झुकाव एक्टिव फंड्स की ओर ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसिव फंड। और अगर हम एयूएम भी देख लें, तो जो पूरा इक्विटी फंड का एयूएम है, वैसे तो अगर हम पूरी म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो हमारे पास यू नो करीबन 48 लाख करोड़ का एयूएम है, लेकिन इक्विटी में अगर एक्टिव फंड्स की एयूएम की हम बात कर ले तो हम करीबन यू नो लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं, और वही पैसिव फंड का जो एयूएम है वो 5.25 लाख करोड़ है। तो अगर हम झुकाव भी देखें तो 80% आपका जो एसेट्स है वो एक्टिव फंड्स पर है, 20% पैसिव फंड है, और जो पिछले 3 महीनों के नए पैसे जो निवेश हुए हैं वो भी बता रहे हैं झुकाव एक्टिव फंड के तरफ ही रहा है। ओके, तो पिछले 3 महीनों के आंकड़े कहते हैं कि ज्यादा झुकाव एक्टिव फंड की तरफ ही रहा है। विकास, आप क्या कारण इसका मानते हैं कि एक्टिव फंड लोगों में ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं? अगर हम एक्टिव फंड का यूनिवर्स भी देखें विकास, वो काफी ज्यादा बड़ा है पैसिव फंड के मुकाबले। अब अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो साफ तौर पर डिमांड एंड सप्लाई के खेल में सप्लाई एक्टिव फंड की ज्यादा ही होगी, क्या ये इस वजह से कहना सही रहेगा? क्योंकि एक्टिव फंड इतने ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए हो सकता है कि जो निवेशक हैं वो एक्टिव फंड में ज्यादा निवेश करें, और ज्यादा क्या इसमें कारण हो सकते हैं? जी स्वाति, थैंक यू वेरी मच अपने शो पे बुलाने के लिए। सो आपने बिल्कुल सही बोला, एक तो एक्टिव फंड जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो एक्टिव फंड ही सबसे पहले लॉन्च हुए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। पैसिव फंड लेटली स्टार्ट हुए हैं, और ये एक ट्रेंड है जो अब रिसेंटली पिकअप हुआ, जब काफी सारा जब मार्केट्स मैच्योर होती हैं, और जैसे अगर वेस्टर्न मार्केट्स को देखेंगे उसको देखते हुए यहाँ पे पैसिव फंड्स का आना शुरू हुआ, प्रचलन शुरू हुआ। जो जनरल अगर आप टेंडेंसी देखेंगे लोगों की, तो और इवन एडवाइजर लेवल पे देखेंगे, या आप जनरल जो फिनटेक कंपनीज भी हैं उनके भी अगर आप देखेंगे, तो जो लिस्टिंग में या गूगल सर्च में या कुछ भी आता, तो एक्टिव फंड्स की लिस्टिंग पहले आती है, पैसिव की बाद में। तो एक अवेयरनेस लेवल में भी थोड़ी सी कमी है, बिकॉज एक्टिव फंड्स की अवेयरनेस लोगों में ज्यादा है, और जब फर्स्ट टाइम कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो एक्टिव फंड्स में आना चाहता है, नंबर एक। नंबर दो, पैसिव फंड जैसा मैंने बोला कि अभी इतना टाइम वो उनको मार्केट में उतारे हुए, तो इसलिए उसका एयूएम कम है। ग्लोबली आप देखेंगे तो पैसिव फंड्स बहुत अधिक, उनका जो अगर क्वांटम देखेंगे, उनका परसेंटेज देखेंगे, कहीं अधिक है। तो ये कैचअप होगा क्योंकि बास्केट भी आना शुरू हो गई है। जैसे अब आप देखेंगे निफ्टी 50 की बास्केट है, या मिड कैप स्मॉल की बास्केट है, या मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, तो अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, पैसिव फंड्स हैं, इनकी बास्केट्स भी अब क्रिएट हो रही हैं, तो लोग उसमें अब अपना रुझान दिखा रहे हैं।
प्लस क्या होता है कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं जो मार्केट के, उसकी वजह से पैसिव फंड्स कभी फ्लेवर में आते हैं। जैसे अगर कोई बहुत डीप करेक्शन हुई है और उस समय आप इंडाइसिस में लगा दीजिए, मार्केट रिकवरी होगी तो पैसिव फंड्स थोड़ा सा फास्ट मूविंग उसको रिकवरी देते हैं। सिमिलरली एक्टिव फंड जो है, जब बहुत हाई वोलेटिलिटी होगी या एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी तो उस समय पैसिव फंड्स की रिटर्न उतनी अच्छी नहीं आती, तो लोगों का रुझान फिर एक्टिव फंड्स की तरफ चला जाता है। तो ये थोड़ा सा जगलरी है जो ऑसिलेट करता रहता है। बट और भी रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन वजह से एक्टिव फंड्स ज्यादा फ्लेवर में आजकल आ रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़ों के लिहाज से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एक्टिव फंड क्या बड़ी वजह है, एक्टिव फंड में लोगों का, निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ टाइम में अगर हम प्रदर्शन के लिहाज से समझने की कोशिश करें, मैं आपसे समझना चाहूंगी श्वेता, तो आपकी नज़र में एक्टिव फंड एज कंपेयर टू पैसिव फंड, क्योंकि जो निवेशक होता है वो रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं और जानना चाहते हैं कि पिछले कई सालों में एक्टिव फंड ने कितनी बार आउट परफॉर्म किया है। हमें ये भी मालूम है कि अगर हम 3 महीने से पहले के भी क्वार्टर की बात करें या उससे पहले की क्वार्टर की बात करें, तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव फंड अपने बेंच मार्क को बीट करने में कामयाब नहीं रह पाए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, हमें ऐसा भी देखने को मिला है, खासतौर पर इस साल की शुरुआत की अगर बात करें। पर क्या इसी साल से ट्रेंड पता चलता है? अगर पिछले कई सालों के ट्रेंड की बात करें तो प्रदर्शन के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात पूछी। अगर हम लंबे समय को देखें, जैसे मैं अगर 2001 से बात करूं, करीबन हम 22 इयर्स के आसपास की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ साल ऐसे आए जहां एक्टिव फंड्स ने निफ्टी 50 जैसे एक बेंचमार्क हो उसको बीट ना किया हो। 2018 एक एक ऐसा साल था जहां ज्यादा करके किसी भी एक्टिव फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। 2019 में वो थोड़ा बहुत ट्रेंड चला। तो अगर मैं 22 साल देख रही हूँ, तो 22 साल में से करीबन आपके 6 साल ऐसे होंगे जहां एक्टिव फंड्स ने नेगेटिव अल्फा दिया ऑन एन एवरेज। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्टिव फंड्स एक्स्ट्रा रिटर्न, जिसको हम अल्फा बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, आगे जाकर नहीं दे सकते। हमने देखा है जब 2018 और 2019 हुआ, जहां एक्टिव फंड्स ने ये अल्फा नहीं डिलीवर करी, उसके बाद के आप 2-3 साल देख लें, 2020, 21, 22, 23, ये काफी अच्छे साल रहे हैं फॉर एक्टिव फंड्स। यहाँ पे एक्टिव फंड्स ने करीबन 3 से 4% की एवरेज अल्फा दी है। तो किसी ने ये सोचकर 2018 का परफॉर्मेंस देखकर अगर पैसिव शिफ्ट हो गए होते, तो ये जो 2-3% की एक्स्ट्रा रिटर्न आई आगे के सालों में, वो मिस आउट कर जाते। तो ब्रॉडली अगर हम 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हाँ, ऐसे कुछ साल हुए जहां एक्टिव फंड्स ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर मैं 22 साल का एवरेज देखूं, तो करीबन 60 से 65% की रेंज में एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है, और एवरेज जो उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रखी है वो करीबन 6.5% की आसपास की रही है टू निफ्टी 50। ये आंकड़े तो हमें यही बताते हैं कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो फिर एक्टिव फंड्स में रहना एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर्ड टू पैसिव। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको ये यूएस के भी नंबर बता देती हूँ, क्योंकि हम यूएस में देखते हैं पैसिव फंड का एयूएम बहुत ज्यादा है, वहां काफी पैसा ज्यादा करके निवेशक पैसिव फंड्स में डालते हैं। यूएस में यही अगर मैं 22 साल के आसपास का ट्रैक रिकॉर्ड देख लूं, तो 40% फंड्स ही वहां निफ्टी वहां के जो बेंचमार्क हो उनको बीट करते हैं। इसीलिए वहां पैसिव की तरफ झुकाव ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इंडिया, जहां पे आपका 65% एक्टिव फंड एक बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें यही बता रहा है कि एक्टिव में रहना एक बेटर ऑप्शन होगा। बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लेसमेंट की बात करें विकास, जो आजकल का निवेशक है, क्योंकि जैसे आपने भी बोला, जैसा हमें मालूम है कि एक्टिव फंड का जो यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सारे फंड अवेलेबल हैं। हालांकि पैसिव स्ट्रैटेजी थोड़ी आसान मानी जाती है, कहा जाता है कि इंडेक्स फंड में निवेश करना बेहद आसान है, क्योंकि वो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें पैसे डालिए और इंडेक्स के जैसा इंडेक्स प्रदर्शन करेगा वैसा ही फंड का परफॉर्मेंस भी होगा। मतलब एक निवेशक भी
डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ कि चलिए हमारे पास अगर एक एक्टिव फंड का पोर्टफोलियो है तो क्यों ना थोड़ा पैसिव पोर्टफोलियो भी बना दिया जाए जिसमें बेस्ट ऑफ बोथ कैटेगरीज या स्ट्रैटेजीज सो टू से एक्टिव और पैसिव हमारे पोर्टफोलियो में हो, जहां पर एक्टिव का एक अच्छा एक रिटर्न भी और पैसिव का एक सेफ्टी के साथ रिटर्न भी एक पोर्टफोलियो में मिले। जी स्वाति, तो क्या होता है कि पैसिव फंड्स टिपिकली इन्वेस्टर्स को वो लेना चाहिए जो फिल इट फिट इट फॉरगेट इट वाली स्ट्रेटजी होती है। इट इज लाइक कोर एंड सैटेलाइट। तो आप अपना कोर पोर्टफोलियो जो है, जो आप अपना 15-20 साल की अवधि के लिए रखना चाहते हैं, वो आप पैसिव फंड ले लीजिए। बिकॉज अगर आप 15 साल या 20 साल का देखेंगे, अगर आपका 1% भी कॉस्ट बचता है तो इट ट्रांसलेट्स टू अ गुड रिटर्न। वही दूसरी तरफ यदि कोई अपना जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, विच इज लाइक मोर ऑफ अ 3-5 ईयर टाइम होराइजन में, अगर किसी को अपने टेक्टिकल कॉल्स खेलने हैं तो उसके लिए वो अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो रख सकते हैं, विच इज कॉल्ड सैटेलाइट पोर्टफोलियो हम जो बोलते हैं, वो एक्टिव फंड के थ्रू किया जा सकता है। तो ये मिक्स करके अगर इन्वेस्टर्स खेलेंगे तो उनका पोर्टफोलियो का एक तो क्योंकि पैसिव फंड्स की जो कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स बहुत कम रहती है। तो यदि आप अभी आपको एक और अच्छा एक जो फिगर्स मैं बताऊंगा कि अपना निफ्टी का वेटेज इस समय जो 35% के आसपास फाइनेंशियल सर्विसेज का है और 15% आईटी का है, तो दो सेक्टर्स 50% अपने निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों सेक्टर, जैसे आपने देखा भी होगा कि पिछले एक क्वार्टर से उतना नहीं चले हैं, बल्कि आईटी तो पिछले एक साल से नहीं चला है और बैंकिंग भी थोड़ा पीएसयू बैंकिंग स्पेस चला था, फिर अभी थोड़ा प्राइवेट का चलना बाकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यदि दो सेक्टर आपके अटक जाए 2-3 क्वार्टर्स के लिए, तो आपका पैसिव फंड या इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो चलेगा नहीं। तो इन्वेस्टर्स की पेशेंस लूज हो जाती है, फिर वो भागते हैं एक्टिव फंड्स की तरफ। तो जिनको मोमेंटम स्ट्रेटजी खेलनी है, जिनको अपना टेक्टिकल कॉल लेना है, तो फिर वो वैसे फंड देखेंगे जहां पे लेट्स से लार्ज कैप फंड, अगर हम इसको बेंचमार्क करते हैं तो लार्ज कैप फंड जिनमें फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर का वेटेज कम रहेगा, दूसरों का अधिक रहेगा, तो वो लार्ज कैप फंड जो है वो आउट परफॉर्म कर जाएगा पैसिव फंड को। वेयर एज अगर आप यही अवधि अगर 10-15 साल की लेंगे तो मे बी 3-4 क्वार्टर या 1-2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी की रह सकती है, बट निफ्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडेक्स फंड उसको आउटबीट कर सकता है। तो इसीलिए हम इन्वेस्टर्स को ये बोलते हैं कि आप अपना एक कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रेटजी रखिए, जो आपको लगता है कि आपके फंड्स और सेफ्टी के हिसाब से, जैसे आपने बोला खेलना चाहते हैं 15-20 साल के लिए, अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करना चाहते हैं, वैसे पोर्टफोलियो को आप जो है पैसिव फंड के थ्रू खेलिए, और जो 3-5 ईयर टाइम होराइजन में जहां आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एक्टिव फंड्स के थ्रू खेलिए। बात करें एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटजी के, हमारे साथ श्वेता रजानी हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ और विकास पुरी हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। म्यूचुअल फंड के आंकड़ों को अगर देखें पिछले क्वार्टर में, अगर हम जुलाई से सितंबर की बात करें श्वेता, तो हमने एक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्फ्लो आते हुए देखा, उसमें भी एक्टिव फंड में काफ़ी अच्छा निवेश आया है। क्या ये वजह हम मान सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से स्मॉल कैप मिड कैप इस सेगमेंट में रैली काफी ज्यादा रही है, काफी ज्यादा निवेश आया है, ये भी वजह रही इसका फायदा उठाने के लिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा निवेश किया स्मॉल कैप में और एक्टिव फंड्स जो हैं उससे इसकी वजह से एक्टिव फंड्स को ज्यादा बूस्ट मिला क्योंकि लोग मौका नहीं गंवाना चाहते थे? जी बिल्कुल, ये बात भी है कि जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, वैल्यूएशन अगर हम देखें तो ये सेगमेंट में थोड़ी अंडर वैल्यूएशन थी, तो इस वजह से एक कैचअप आना दिख रहा था एंड वो देखते निवेशकों ने ये कैटेगरीज में निवेश किया। हालांकि यहाँ पे भी पैसिव फंड की ऑप्शन है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्टिव फंड में आपकी अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो दिखने में आया है इस साल में और पिछले 2-3 साल में, कि जैसे मैंने कहा 2019 के बाद एक्टिव फंड्स ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है पैसिव फंड के कंपैरिजन में, तो वो एक कारण था। दूसरा जैसे मैंने कहा अंडर वैल्यूएशन थी ये सेगमेंट में, तो एक इन्वेस्टमेंट उस कैटेगरीज में बढ़ती हुई दिखी है। और पैसिव फंड में भी अगर हम देखें ये जो 8,000 करोड़ पैसिव फंड में गया है, ये उन पैसिव फंड्स में गया है जहां पे कुछ तो भी न्यू कोई नई स्ट्रेटजी आई हो, जैसे जो कॉमन निफ्टी या सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड होते हैं उनमें उतना पैसा निवेशकों ने नहीं इन्वेस्ट किया है जितना उन्होंने जैसे कोई थीमेटिक
या लो वॉलिटिलिटी पैसिव फंड जो डिफरेंशिएटेड पैसिव स्ट्रेटजीज होती हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। तो हाँ, दो कारण थे, एक वैल्यूएशन जिसके वजह से वो कैटेगरीज ने बहुत अच्छा किया, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी, जो 2019 के बाद दिखा कि एक्टिव फंड में रहना बेहतर रहेगा, ये दो कारण माने जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी विकास, अगर एक कंपैरिजन की बात होती है एक्टिव फंड और पैसिव फंड के बीच में, तो आइडियल जो कंपैरिजन है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो रिटर्न और कंपैरिजन के लिहाज से एक आइडियल कंपैरिजन कैसा होना चाहिए? स्वाति, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। यदि आप इंडेक्स निफ्टी 50 जो इंडेक्सेस होते हैं अगर उनको कंपैरिजन करना तो लार्ज कैप के साथ करेंगे तो वो एक आइडियल कंपैरिजन है। सेम वे अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया या मिड कैप इंडेक्सेस है उनका मिड कैप फंड्स के साथ करना चाहिए और स्मॉल कैप इंडेक्स का स्मॉल कैप फंड्स के साथ करना चाहिए। तभी आपको ये एक्चुअल में परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि ये अंडर परफॉर्म हो रहा है या आउट परफॉर्म हो रहा है। और एक स्वाति, जो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि क्यों एक्टिव फंड्स कई बार आउट परफॉर्म कर जाते, तो फॉर एग्जाम्पल जब कंपनीज थोड़ी सी छोटी रहती हैं या हाई ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी का, तो उनके जो ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा काफी हाई रहता है। ना मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, अभी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आने वाले 5 या 10 साल में वो निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएंगी, उस समय हो सकता है उनकी ग्रोथ उतनी एक्सपोनेंशियल नहीं हो। तो क्या होता है कि फंड मैनेजर्स थ्रू देयर रिसर्च कई बार उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं जो अभी इंडेक्स का हिस्सा नहीं होगा, वो एक्टिव फंड का तो हिस्सा बन सकता है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक या वो कंपनीज निफ्टी 50 में आ गई तो उनकी जो ग्रोथ है वो होगी लेकिन वो शायद उतनी ना हो। हो सकता है पहले वो 25-30% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हो, बाद में वो 10 या 12 या 15% की ग्रोथ से बढ़ने लग जाएंगे। तो फंड मैनेजर जो अल्फा है वो शायद पहले निकाल लेगा उसका या पहले उसकी ग्रोथ को गेज कर सकते हैं वो लोग जो कि जब एक बार पैसिव फंड में आ गया तो शायद उतना ग्रोथ ना दे पाए। तो समटाइम्स एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म पैसिव फंड को इस रीजन से भी करते हैं। इसलिए हम यही बोलते हैं कि आप निफ्टी 50 इंडेक्सेस को जो है वो लार्ज कैप के सामने बेंचमार्क करके देखिए और उसमें आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप फंड्स जो है वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को। बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला कि अगर कुछ एक या दो सेक्टर किसी साइकिल में फंस गए, जैसे अभी अगर आप देखेंगे ग्लोबल वोलेटिलिटी है तो काफी सारे बिजनेस डायनामिक्स और पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स जो है वो एक लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करते हैं और वो कंपनीज निफ्टी का हिस्सा रहेंगी लेकिन परफॉर्म नहीं कर रही होंगी। जैसे कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जो शायद वो परफॉर्म नहीं करेंगी ग्लोबल प्रेशर की वजह से, बट वो स्टिल निफ्टी का हिस्सा है। तो वहां पे एक्टिव फंड मैनेजर क्या करेगा, उनको स्किप करके लार्ज कैप फंड में कोई दूसरे सेक्टर ले लेगा जो अच्छा चल रहे हैं, तो वहां पे वो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ओके बिल्कुल श्वेता, आप तो एक निवेशक डिसाइड कैसे करें कि उन्हें एक्टिव फंड चाहिए, उन्हें पैसिव स्ट्रेटजी में निवेश करना है, जो एएमसीज हैं वो भी कई पैसिव फंड्स पिछले कुछ टाइम में परोस भी रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि निर्देश भी है सेबी की तरफ से कि आपके पास एक कैटेगरी में एक एक्टिव या फिर पैसिव होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अब न्यू फंड ऑफर होगा तो कोशिश करेंगे कि हर एक बास्केट को वो फिल करने की कोशिश करें और हर एक वैरायटी दे निवेशकों को, पर डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम में पैसिव फंड्स की भरमार भी आई है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक को फैसला कैसे लेना है कि पैसिव कितना रखें, एक्टिव कितना रखें, पैसिव हैवी रखें पोर्टफोलियो कि एक्टिव हैवी पोर्टफोलियो रखें, आपकी नज़र में सही स्ट्रैटेजी क्या हो? आपको बताना चाहूंगी कि पहले जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें पैसिव फंड में निवेश करना है तो पैसिव फंड में भी एक एक खर्चा रहता है जो कम होगा एक्टिव फंड के मुकाबले, लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो 25 पैसा 40 पैसे के आसपास वो खर्चा भी है। तो जब आप पैसिव फंड में निवेश कर रहे हैं ये ध्यान में रखें कि आप जो बेंचमार्क आपका जो भी कंपैरिजन का बेंचमार्क है उससे आप कम रिटर्न ही आएंगे, मतलब नेगेटिव अल्फा आने के चांसेस है आपको क्योंकि वो खर्चा है इंडेक्स फंड में भी। तो जब आप पैसिव फंड
सोच रहे हैं निवेश करने के लिए, ये ध्यान में रखना ट्रैकिंग एरर होगा जिसकी वजह से ज्यादातर देखा गया है कि रिटर्न थोड़ा इंडेक्स के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड में कम आता है। उसके कंपैरिजन में एक्टिव फंड में आपको इंडेक्स से एक 2-3% ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना होती है। दूसरी बात होती है जो हम रिस्क की बात करते हैं। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो आपका रिस्क मेजर, अगर मैं निफ्टी को एक बोल रही हूँ बीटा 1 पे चलता है, तो फंड मैनेजर वो रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं। तो इसीलिए आपने काफी समय देखा होगा जब मार्केट गिरता है ना तो फंड उतना नहीं गिरता, और मैं एक्टिव फंड की बात कर रही हूँ। तो दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि रिस्क क्या है, जोखिम क्या है। एक्टिव फंड में बिकॉज वो फंड मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहा है, आप देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में फंड उतना नहीं गिरते जितना पैसिव फंड गिर सकते हैं, क्योंकि वहां आपका बीटा 1:1 का चलेगा, जो एक्टिव फंड में 1:2 0.8 0.9 0.7 चल सकता है। तीसरी बात, आप कैटेगरी बाय कैटेगरी जाके देखें। जैसे कुछ कैटेगरियां होती हैं जहां एक्टिव फंड में निवेश करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैंने ये स्टडी करी थी 2018 में जब रिकैटेगराइजेशन हुई उसके बाद, तो स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी अगर हम उसको स्मॉल कैप के बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करें तो यहाँ पर देखा गया है करीबन 80% फंड्स अल्फा जनरेट कर सकते हैं उस स्मॉल कैप बेंचमार्क को, और एवरेज 4-5% का अल्फा आ सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक कैटेगरी है जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकली भी प्रूव किया है कि ये अल्फा दे सकते हैं। उसी तरह से मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज, तो हर कैटेगरी में आप उसको स्टडी करें और देखें किस कैटेगरी की पोटेंशियल ज्यादा है एक्टिव फंड की इंडेक्स को बीट करने की, और उस हिसाब से आप अपना चुनाव करें। मेरी राय, मैंने जितना रिसर्च किया है वो ये दिखा रही है कि अगर आप इंडियन इक्विटीज में निवेश करना चाहते हैं तो अगले कुछ सालों के लिए एक्टिव फंड में रहना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा एज कम्पेयर टू पैसिव। जैसे थोड़े समय पहले विकास जी भी बता रहे थे कि हम बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो अभी ग्रोथ फेज में है, जो इंडेक्स में नहीं आई है, तो वहां एक एक्टिव फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड अगले कुछ सालों में जैसे हम इंडिया की ग्रोथ देख रहे हैं, फॉर श्योर एक्टिव फंड की ऑप्शन बेटर होगी देन पैसिव, एक रिटर्न स्टैंड पॉइंट से और रिस्क स्टैंड पॉइंट से। ओके, बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल प्योर आंकड़ों के लिहाज से, नंबर्स के माध्यम से ट्रेंड को समझते हुए, डेटा क्रंचिंग करते हुए, अगर आसान शब्दों में कहें, समझा है कि एक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है या पैसिव स्ट्रैटेजी है वो किसी एक पोर्टफोलियो में कैसी रह सकती है, आपको कैसे चुनाव करना चाहिए, इस पर हमने खास चर्चा की। श्वेता रजानी आपसे और विकास पुरी आपका भी बहुत धन्यवाद हम करेंगे हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।